हेलो गाइस, वेलकम आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है कस्टम टेक। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नया रॉम जो कि हमने अपने रेडमी नोट 7 प्रो में इंस्टॉल कर रखा है। इस रॉम का नाम है हैवेक ओएस। ये एक एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड रॉम है। करते इसका रिव्यू और देखते हमको क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है। सर, सबसे पहले मैं आपको एक इसमें अच्छे एक फीचर बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का काफ़ी सारे नए नए पैटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इंस्टॉल कर रखा था, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फेस अनलॉक वगैरह भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी स्मूथ रॉम है, आपको कोई भी रॉम में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो अब सब बढ़ते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन और बाकी सब फीचर्स के तरफ में। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 5 अगस्त 2020 का सिक्योरिटी, काफ़ी 2 महीना जूना है, काफ़ी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता ये रॉम में। और बात करें बाकी के फीचर्स तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका कैमरा। कैमरा आपको AOSP का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलता है जिसमें आपको ASP के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। स्टॉक MI का कैमरा नहीं है, आप चाहिए तो GCam या दूसरा कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे यूज़ करते हो। बात करते हैं इसके नेविगेशन और गेस्चर्स के तरफ में। तो नेविगेशन और गेस्चर्स में आपको तीनों टाइप के गेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको 3 फिंगर, 2 फिंगर और बाकी के गेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे एक्चुअली में ये गेस्चर नेविगेशन में कुछ इशू हो रहा था यूज़ करने में, तो ये कभी कभी काम नहीं करता सही से। और बाकी के सभी ठीक तरह से काम करते हैं। तो ये भी कोई अपडेट आएगा उसके वजह से फिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी में उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कभी रिस्टार्ट करना पड़ जाता है फ़ोन, अब ये काम नहीं करता है कभी कभी। और गाइस, बात करते हैं बाकी के फीचर्स का, जिसमें आपको GApps का पीको का सपोर्ट मिलता है जो कि आपको इनबिल्ट रॉम में ही आता है। आपको एक्सटर्नली कोई GApps की फाइल फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बढ़ते इसके बैटरी लाइफ की, तो बैटरी बैकअप काफ़ी डिसेंट है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इस रॉम को। और इसमें जो बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है, करीब एक दिन आपको पूरा दिन निकल जाएगा अगर आप फुल डे सुबह चार्ज करते हो, आपको फुल डे आपको बैटरी का बैकअप दे देता है ये रॉम। बात करते हैं इसमें और एक फीचर आपको देखने को मिलता है स्मार्ट चार्जिंग में। तो ये आपको जब भी आपका स्क्रीन ऑफ रहता है तो आपको इंडिकेट करता है कि आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्ज हो रहा है, और कितना परसेंट, कितना एम्पियर चार्ज हो रहा है, और कितना बैटरी में मिली एम्पियर में चार्ज हो रहा है। बात करते हैं इसके सिक्योरिटी के तरफ में, तो इसमें आपको सारे सिक्योरिटी के फीचर्स देखने के मिलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और बाकी पैटर्न वगैरह, तो वो सब कॉमन है, वो सब आपको देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं फिंगरप्रिंट के स्पीड की, तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट ऑलरेडी डाल रखा, तो यहाँ पे अगर मैं फिंगरप्रिंट टच करता हूँ तो इंस्टेंट अनलॉक होता है, कोई मिली सेकेंड का डिले नहीं होता है। कभी कभी नॉट रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन जब भी रिकॉग्नाइज करता है तो खुल जाता है। अब बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो गाइस, ये रॉम में आपको ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं। और गाइस, हम बात करते हैं इसमें और काफ़ी सारे एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन सेंटर नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप कई तरह के ट्विक्स देखने मिलते हैं जहाँ पर आप अपने डिवाइस को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से और यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें ये रॉम में आपको ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉयलेट पार्ट्स, इसमें आपको कुछ फास्ट चार्जिंग और ये सब का सपोर्ट दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल USB फास्ट चार्ज, जिससे आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा आप कंप्यूटर में कनेक्ट करोगे तो भी। और MI साउंड एनहांसर करके एक ऑप्शन मिलता है जो आपका ऑडियो का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा करता है। अभी का बात करते हैं इंस्टॉलेशन के, तो इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे जो वॉलपेपर है ये आपको देखने को मिलता है, ये स्टॉक वॉलपेपर है, मैंने इसे बाहर से नहीं इंस्टॉल किया, ये इनबिल्ट आया है इसके साथ। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के, सबसे पहले अपना डिवाइस हम बूट कर लेंगे रिकवरी मोड में। तो मैं अपना डिवाइस रिकवरी मोड में, तो यहाँ पे आपको मैंने स्काईवॉक रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है अपने डिवाइस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना डिवाइस फॉर्मेट डेटा यस करना है और फॉर्मेट कर देना है और वाइप कर लेना है नॉर्मल सा, और एडवांस वाइप में बाकी सब चीज़ें वाइप कर लेना। अब मैं अपना फाइल मैंने यहाँ पे रख रखा है OTG में, तो मैं OTG कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्लैश के तरफ में, तो यहाँ पे मैं OTG सिलेक्ट करता हूँ, तो OTG नहीं सिलेक्ट हो रहा है, मैं एक बार मुझे लगता है रिबूट करना पड़ेगा क्योंकि मैं OTG मैंने लेट कनेक्ट किया इसके वजह से। तो यहाँ पे मैं फिर से रिकवरी में रिबूट कर देता हूँ अपना डिवाइस। तो यहाँ पे अब मैं जाता हूँ फ्लैश के तरफ में, तो फ्लैश में आप यहाँ पे देख सकते हो OTG आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑफिशियल
ऑफिशियल है ये, और इसमें आपको जी एप्स इनबिल्ट आता है, तो आपको और कोई एक्सटर्नल फाइल फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका फ़ोन रेडमी के लोगों पे अटकता है तो आपको एक फ्रेमवेयर फ्लैश करने की पड़ेगी, जो कि वीकली फ्रेमवेयर है उसे आपको फ्लैश करना पड़ेगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपका फ़ोन स्टक होता है रेडमी के लोगों पे तो आप उसे फ्लैश करिए, फिर उसके बाद ये रोम फ्लैश करिए तो आपका रोम बूट हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी नए नए रोम अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ। तो गाइस और भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है।